इस समय हम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित हैं। आगामी 19 नवंबर को देव दिवाली का त्यौहार है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से कई सैलानी आते हैं और इस बार ये कुछ खास है क्योंकि कोविड काल के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा संख्या में लोग वाराणसी उपस्थित होंगे, यहाँ पर देखने आए हैं। काफ़ी लोग उपस्थित हैं, इसी की तैयारियों का जायजा लेने आज हम दशाश्वमेध घाट पर आए हैं। हमारे साथ हम गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष जी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं। सर पहले आशीष तिवारी, कोषाध्यक्ष गंगा सेवा निधि। सर 19 तारीख को देव दिवाली है और भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी होगी क्योंकि दशाश्वमेध विश्व प्रसिद्ध घाट भी है, किस तरह की तैयारियां हैं और कैसे लोगों का जुड़ाव यहां पर होगा? ऐसा है कि अभी तो पिछले साल कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से गंगा सेवा निधि और बाकी सारी संस्थाओं ने कोरोना गाइडलाइंस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए देव दीपावली का आयोजन किया था। उसमें प्रशासन की भी यही मांग थी कि आप लोग उस कार्यक्रम को कोरोना गाइडलाइंस के पालन करते हुए आप लोग करें। इस बार जो उन पिछले साल की जो कमियां थी वो इस साल उन कमियों को दूर करते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ इस साल अब बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ देव दीपावली का आयोजन हो रहा है। और इसमें हम लोगों के यहाँ इंडिया गेट की रिप्लिका बनती है जिसमें कि शहीदों के गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है और रीत चढ़ाई जाती है, संस्था चढ़ाई जाती है और फोर्स के भी सारे लोग अधिकारी वगैरह रहते हैं उनको चढ़ाई जाती है। और जैसा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो एक बल दिया जा रहा है जिसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि के रूप में जो कन्याएं इसमें आरती में जो शामिल होती हैं, तो इस बार का उसमें एक हम लोगों ने एक नई चीज उसमें यह है कि उन्हीं कन्याओं से आरती के पहले दीपदान का संकल्प कराया जाएगा और 51,000 दिए जलाए जाएंगे। प्रशासन की तरफ से भी इस बार काफी दिए जलाने की संभावना है क्योंकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिए जलाए जाए। गंगा सेवा निधि के साथ जो बहुत छोटी छोटी संस्थाएं हैं उन लोगों का भी सहयोग करके जहाँ जो दीपक वगैरह की आवश्यकता होती है उन लोगों को भी दिया जाता है ताकि 80 से लेकर के राजघाट तक होने वाली इस देव दीपावली आयोजन जो देवताओं द्वारा देवताओं की का पर्व है और ये देव दीपावली जो जानी जाती है तो ये कहीं किसी भी तरीके से इसमें कोई उत्साह की कमी ना हो और इसमें किसी भी तरीके की कोई भव्यता और दिव्यता का भी। गंगा सेवा निधि एक बड़ी संस्था है और गंगा की सेवा के लिए काफी नामी है, जानी जाती है, तो प्रशासन की तरफ से क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई है गंगा सेवा निधि? गंगा सेवा निधि तो अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है ही है और गंगा सेवा निधि अखिल भारत का भी एक हिस्सा है और जो ये महाआरती होती है ये अपने आप में भी एक भव्य रूप लेकर के चलती है क्योंकि ये महाआरती का कार्यक्रम सिर्फ देव दीपावली में ही होता है तो ये तो अपने आप में भी एक खास हो जाता है। और बाकी प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस वगैरह है उन लोगों का दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग पालन करते हैं और सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने भी जैसे स्वयं सेवी संस्थाएं कुछ हमारे साथ है, भारत सेवा श्रम संघ के कुछ लोग हैं और अपने यहाँ भी जो स्वयं सेवी लोग हैं तो सारी ताकि भीड़ को हर तरीके से नियंत्रण किया जा सके और किसी भी तरीके की कोई असुविधा न हो। क्या लगता है कोविड गाइडलाइन को देखते हुए इस बार क्या मतलब है, क्या लोग उस संख्या में आएंगे जितनी उम्मीद की जा रही है? देखिए ये देव दीपावली आज भारत का ऐसा पर्व बन गया है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और इस पर्व में लोग हर व्यक्ति अपनी सहभागिता देना चाहता है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है तो भीड़ में तो कोई कमी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ये चाहते हैं और लोगों को समझाते भी रहते हैं, हम लोगों के यहाँ पे एक संकल्प अभियान भी कराया जाता है जिसमें कि भारतवर्ष को स्वच्छ रखने की बात होती है और अपने शहर को स्वच्छ रखने की बात होती है और इसके साथ साथ हम लोग एक जन जागरण जल बचाओ के प्रति भी एक हम लोग उसमें संकल्प काम में आह्वान करवाते हैं। बाकी तो हर व्यक्ति आज के समय में जागरूक है और हम लोग दिशा निर्देश का पालन करवाते रहते हैं लोगों से और उसमें लोगों की भी का सहयोग इसको हमें मिलता रहता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाराणसी से अभिषेक कुमार मिश्रा, जन संदेश।